हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन हम तत्तापाणी यानी कि मेरे हस्बैंड की बुआ के घर में गए थे शादी को। तो ये जब मैं चली थी उस टाइम की क्लिप है, ये रह गई थी उस दिन ऐड करने को। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी वहां से, वहां पे इनकी बुआ से भी मिलाऊंगी। और रात को 2 बजे हमें क्यों वापिस आना पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और भाई उस दिन इतनी ज्यादा ठंड थी ना, और वहाँ पे क्या रीति रिवाज है थोड़े से वो भी दिखाऊंगी, और हमने गिद्धा था डाला हुआ वो भी बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। और ये यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, जैकेट मैंने डाली थी, पर कपड़े मतलब ये ना थोड़े पतले थे। तो ये हम चार्जर दे रहा था शानू की, ये चार्जर मैं हमेशा साथ में रखती हूँ। हो गया तो ये देखिए यहाँ पे ये है इनकी बुआ की सबसे बड़ी बहू। दो बुआ है उनकी वहां पे, एक नई है और एक है, उनसे मैं मिलाऊंगी। तो जो नई है उनकी पोती की शादी थी। तो देखो यहाँ पे क्या रिवाज होता है इनके ना, ये ऐसे करते हैं ये मिंडियां जैसी ना, मतलब जो दुल्हन या दूल्हा होता है ना उसकी मम्मी चाचियां ताइयां सभी एक ही तरह की इन्होंने परांदियां लगाई हुई थी। और ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, हमारे नहीं होता ऐसा। ये इनके ना देखो कितना सुंदर किया हुआ है ना, और ये चाक है। तो ये रिवाज इनके ये हमारे नहीं है यहाँ पे, ये ऊपर तातापानी साइड है ये देखो। और फिर हम चल पड़े थे घर को, नहीं ऊपर बुआ के घर में जा रहे हैं, जो दूसरी बुआ है ना इनकी यहाँ पे उनका घर ऊपर जैसे है, मतलब साथ में ही है। तो निकल गए थे हम अब गिद्धे से बाहर, और रात के बज रहे थे इस टाइम 10। थोड़ी देर उनके पास बैठने के बाद फिर हम 12:15 बजे चल पड़े थे। ये मंडप था शादी का,
और बारात दूसरे दिन आनी थी, तो फिर हम आ गए थे, दूसरे दिन हम नहीं थे वहां पे रुके हुए। तो चलो चलते हैं बुआ के। दिखलावा सर, ये मेरे हस्बैंड की बुआ और इनके घर में हम आए थे शादी को, इनकी बहन की पोती की शादी थी, है ना। वो हेलो हाय कर ले, तो हेलो हाय थोड़ा मुंह दार देख कर। ये हमारी बुआ ना बहुत गप्पी है, बहुत बहुत मजाकी है। 6 महीने कितने दिन बीमार हुए, 2 साल दो साल पहले इतने बीमार थे, हमने मास्क लगा के इनके पास पास, क्योंकि बुजुर्गों को ना जल्दी वो होता है। 2 साल पहले ना इनको ये इतने बीमार थे, इनको पैरालाइज पैरालाइज होता ना का अटैक आया था। तो मैं भी आई थी इनके इनका हाल पूछने, तो हाँ कोई नहीं बोल सकता था कि बुआ ठीक होंगे इतने, और बहुत अच्छे बुआ सच्ची में, मेरे को तो बहुत मानते हैं, सभी को मानते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो अब आए थे ना, इनकी याददाश्त बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और इनका जो है मतलब उठना बैठना बिल्कुल। तो हम बस यही सोच रहे थे कि देखो, कहते हैं ना भगवान की कुदरत होती है, जिसको इसने बचाना होता है ना उसको कोई मार नहीं सकता, ये पक्की बात है। और बिल्कुल बेड पे थे और उठ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी कंडीशन खराब थी इनकी। चलो भगवान की दया से आज ही हमारे बीच में और बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं आपको इनसे मिला रही हूँ। आएंगे बुआ भी नीचे ना हमारे घर में, तो मैं आपको फिर से मिलाऊंगी इनसे। और अभी रात के बज रहे हैं जो भी 11, और हम जा रहे हैं सोने। तो ये देखिए अभी मैं अब जाने की तैयारी में, वो ने चाय पिलाई, तो रात का टाइम में ये 11:41 हो गए थे, हाँ कोई 12 बजे चले हम यहाँ वहां से, और 2:30 बजे पहुंचे थे हम घर में। तो और आना हमें इसलिए पड़ा क्योंकि हमने दूसरे दिन जो है जून के साथ जाना था, हमारे गाँव से मामा वगैरह गए थे कहीं पे, लड़की के मामा, लड़की की शादी थी कहीं, उनके मामा गए थे हमारे गाँव से, तो उनके साथ हमने जाना था। और दूसरा रीजन था कि एक तो दूसरे दिन बारात आनी थी, ज्यादा भीड़ भाड़ में, तो वैसे भी दूसरे दिन हम अपने गांव के सारे गए थे और इसलिए हमें आना पड़ा रात को ही, क्योंकि दूसरे दिन हमें सुबह 9 बजे जाना था। और ये बुआ का कमरा है, ये बुब्बू है हमारे जो नहीं है अभी इस दुनिया में, मतलब मेरे हस्बैंड के बुब्बू, बुआ के घर वाले पटवारी थे ये, और ये इनका कमरा है। तो 2 बेड यहाँ पे लगे हैं, और ये बुआ की छोटी बहू है जो वे बड़ी दीदी के पास खड़ी है ना, ये बुआ की छोटी बहू, इनके बीच में रहती है बुआ। तो बस हम निकल गए थे कि सुबह भी आना ही पड़ना था, और 6 बजे के बाद आने थे हम सुबह, तो इसलिए बहुत ज्यादा ठंड थी, हमारी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो ये देखिए घर से बाहर जब हम चल पड़े थे ना, तो मैंने ऊपर से घर की, ये शादी वालों का घर है साथ में ही, मतलब दूसरी बुआ का, तो ये था उनका घर जो सजाया हुआ था बहुत अच्छी तरह से। अब हम निकल पड़े हैं गाड़ी के लिए ऊपर को, सड़क को, सड़क साथ में इनके घर में, इनके गांव का नाम है रोड़ा। और ये अभी बज रहे हैं रात के 2, ये देखो गाड़ी यहाँ पे, और हम लोग आ चुके हैं घर, हम लोग घर आ चुके हैं, क्योंकि पता है दूसरी जगह पे ना खतरे से खाली नहीं होता ना, तो हम लोग आ गए अपने घर। और अभी आज आज बोलो आप, क्योंकि दूसरा दिन तो शुरू हो चुका है 12 बजे का, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इन कपड़ों में, पता है ठंड बहुत ज़्यादा है, कपड़े बहुत मतलब पतले से हैं, और हमारे ना पतले कपड़े तो 6 महीने चलते हैं, बाकी तो फिर हमारे 6 महीने तो हमारे सर्दियाँ रहती है, और बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये देखो अंदर दिख नहीं रहे उन्हें, गाड़ी के अंदर है अभी, सभी पैसे दे रहे हैं गाड़ी वाले को, मैं थी, हनी के पापा और 2 दीदियाँ, 4 थी, और एक गाड़ी वाले। इतनी ठंड है, रात के पूरे 2 बज रहे हैं, मैं मिलती हूँ आपको घर जाके। और हम अपने अड्डे में पहुंच चुके हैं, और दीदी अभी अंदर ही हैं, और ये देखिए पैसे दे रहे हैं गाड़ी वाले को। तो गाड़ी वाले का हुआ था वहां पे 4,800, कितना हुआ था, 1600 रुपया, हाँ 1600 रुपया किराया था गाड़ी का। तो ये कर रहे हैं अंदर हिसाब, और मैं उधर गई थी बाहर क्योंकि मुझे घर पहुंचने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। तो बस 2 दिनों तक तो लगातार शादी में रहे, और ये देखो चांद, वैसे रात को बड़ा अच्छा लगता है पर ठंड में नहीं, उस दिन तो बारिश भी थी ना, तो बारिश की तो बहुत ज्यादा ठंड थी, दूसरे दिन तो फिर धूप लग गई थी। ये देखिए यहाँ पे पैसे गिने जा रहे हैं ड्राइवर को देने के लिए, साथ में ही दूसरे गाँव के जो ड्राइवर है वो साथ में ही दूसरे गाँव के, तो ये पड़े हमारे को आधे आधे पैसे।
तो बस अब हम उतर चुके हैं, ये रास्ता है देखो, फोन के ही फ्लैश से ना दिख रहा है, बाकी और तो कुछ नहीं दिख रहा, इतना घनघोर अंधेरा। और रात के 2:15 बजे मतलब 2:30 बजे पहुंचे हम घर में। तो ये देखिए अखरोट के पेड़ दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से बाकी बस रास्ता भी दिख रहा था, वीडियो भी मैं शूट कर रही थी। और अभी दीदी के घर के पास पहुंच चुके हैं, तो दीदी चले जाएंगे अपने घर को। और पार सामने कुछ थोड़ी बहुत लाइटें जो जग रही हैं, और ये चंद्रमा भगवान जी, और ये दीदी का गेट है, दीदी चले गई अपने घर में, और ये ऊपर वाली दीदी है, इनका घर नीचे है, मतलब साथ में ही, साथ साथ में तो गांव में घर होते हैं। तो ये इनका गेट खोल रहे थे और इनको अंदर तक पहुंचा रहे थे, घर तक जाओ भी आप। और फिर हम आ चुके थे, और पता है ये इतने स्लिप कर रहे थे जूते ना, क्योंकि पाला पड़ा हुआ था, पाला पड़ चुका था। और बस अभी मैं अपने लेंटर के ऊपर आ गई हूँ, ये रहा हमारा घर, और अभी हम पहुंच चुके हैं। मुझे ना आग जलानी है क्यों बन क्यों? हाथों ने, और फिर मैं आपसे वहां से बात करूंगी बाद में। मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, मुझे बहुत ठंड लगी, सच्ची में बहुत ज्यादा ठंड लगी मुझे। जैकेट तो कोई काम नहीं है, सोचो आप कितनी ठंड होगी। हाँ जी, राम राम, जय माता दी, कैसे हैं आप सभी। तो कल हम शादी को गए थे, एक परसों भी शादी को गए थे, थकान गले में मतलब गा के और खा के हो जाता है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम, बाकी ठीक है। तो वही वीडियो मैं आपके साथ 1-2 दिन शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज है मेरे शानू का जन्मदिन, 28 नवंबर है आज, तो शानू का जन्मदिन है। और आज के दिन, हाँ आज के दिन वो सुबह 10:30 बजे पैदा हुए थे। देखती हूँ इनके जो जो जन्मदिन हम वो करते हैं, मनाते हैं, मनाना बोलो या कैसे हम करते हैं, वो मैं आपको 1-2 दिन में शेयर करूंगी। दोनों का है क्योंकि 2 दिसंबर को हनी का भी है। तो आज शानू पूरे, तो आज जो है हमारा शानू पूरा 14 साल का हो गया, और 15वें साल में लग गया 14, हाँ। और हनी हो जाएगा 2 दिसंबर को 16 साल का, 17वें साल में लग जाएगा। दिन जाते पता ही नहीं लगता है ना, कब दिन बीत गए, कब बड़े हो गए बच्चे आंखों के सामने सामने। तो चलो बस मैंने बता दिया कि आज उसका जन्मदिन है, बाकी जो सेलिब्रेशन या कुछ भी हम करेंगे वो कल तक देखेंगे, ठीक है। कल तक नहीं, 1-2, क्योंकि हम आगे बढ़ के लेते हैं ना जन्मदिन, जैसे हनी का 2 को है तो 4 को ही मनाएंगे, मतलब करेंगे सभी का पूजन वगैरह जो भी करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, और धूप आ चुकी है कल और आज, मौसम बिल्कुल साफ है, और आज तारीख है 28 नवंबर, तो आज मौसम बिल्कुल 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 साफ है, ये देखिए, ठीक है। चलो हम काट लेते हैं घास, घास काटने में आए यहाँ पे, ये देखो आंखें सूजी हुई।